हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शैलजा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लाइवली में। आज मैं आई हूं शालीमार बाजार और मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ आज शॉपिंग पे। मैंने बाजार का एक और वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे ज़रूर से देखें। तो चलिए आज बाज़ार करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं बाज़ार में क्या क्या चीज़ें लेने वाली हूँ और उसका दाम भी बताने वाली हूँ आप लोगों को। दोस्तों, सबसे पहले मैं गई इमली लेने के लिए और मुझे ढूंढते ढूंढते आखिरकार बिना बीज वाला इमली मिल गया, जिसका दाम 30 रुपये पाव था, और ये बीज वाला इमली है जिसका दाम 15 रुपये पाव है। लेकिन मेरे जैसे कोढ़िया लोगों के लिए तो बिना बीज वाला इमली ही ठीक है, और मम्मी ने भी बोल के रखा था कि बिना बीज वाला इमली लेकर के आना। तो यहाँ पर मैंने एक पाव इमली ले लिया है और उसके बाद मुझे दिखा कोइनार साग, जिसे देख के ही मुझे खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने इसे भी एक पाव ले लिया जिसका दाम 30 रुपये पाव था। और उसके बाद मैं आगे चलती गई और मुझे दिखा क्या, हमारा अपना बेंग साग जिसका दाम था 20 रुपये पाव, तो मैंने आधा किलो ले लिया। आप लोग इसे ब्राह्मी के नाम से जानते होंगे, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। झारखंड में इसे बेंग साग के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। साग के रूप में भी हम लोग खाते हैं और इसे सुखा करके मारझोर या चटनी में भी डाला जाता है। तो मैं यहाँ पे आधा किलो ले रही हूँ। उसके बाद मुझे दिखा कतारी, तो एक बंडल मैंने ले लिया जिसका दाम था 10 रुपये। उसके बाद मैं बाज़ार के थोड़ा सा और अंदर चली गई इस उम्मीद में कि जो मैं खोज रही हूँ वो मुझे मिल जाए, और आखिरकार मुझे वो चीज़ मिल ही गई, और वो चीज़ है बरी। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी का मौसम है मारझोर, बोथल भात और आलू का चोखा खाने का, तो ये सारी चीज़ें तो लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे सूखे साग भी ले लिए हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे कुद्रुम, और एक कटोरी 10 रुपये का है तो मैंने 30 रुपये का ले लिया क्योंकि इसका चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों, यहाँ पे लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, अब आगे चलते हैं। 20 का 5 बोले ना, 20 का 5 होगा ना, तो 40 का 10 हुआ ना। हाँ, और यहाँ नींबू का दाम आसमान छूते हुए, लेकिन क्या करें दोस्तों, नींबू लेना तो ज़रूरी है क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और गर्मियों में नींबू का यूज़ ज़्यादा ही होता है। नींबू लेने के बाद दोस्तों मैंने ले लिया गाजर 1 किलो, और फ्रेंच बीन मैंने 1 पाव लिया था, और 10 रुपये का धनिया लिया था। उसके बाद मैं चली गई तरबूज लेने के लिए, और इतना बड़ा तरबूज इन्होंने तौल दिया था, इतना बड़ा मैं लेने नहीं वाली हूँ। मैंने 2 तरबूज लिया थोड़ा छोटा साइज़ का, और ये 20 रुपये किलो करके दे रहा है ये वाला तरबूज। और इसके बगल में एक और वैरायटी का तरबूज रखा हुआ था, तो जो मैंने कभी खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ले लूं और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है। आप लोगों में से किसको किसको तरबूज खाना पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके बाद मुझे नज़र आया कोहड़ा का फूल, 1 बंडल 10 रुपये का था, तो दोनों बंडल मैंने ले लिया, और इसका बनेगा पकौड़ी और कोफ्ता। और ये 10 रुपये का कटहल है जो मैंने ले लिया, और टमाटर 15 रुपये किलो, तो 1 किलो मैंने ले लिया। और ये रहा हमारा ट्रेडिशनल प्लेट, आज तो पतरी भात खाएंगे। और उसके बाद आधा किलो आम, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, चटनी शरबत ये सब तो बनता ही है घर पे। बहुत बड़ा बड़ा मंडाली है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 2 टा जो दिख रहा है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाला आलू ले लिया क्योंकि लाल वाला आलू मुझे उतना पसंद नहीं आता, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है दोस्तों रांची में। अभी तक रांची का टेम्परेचर 40 डिग्री पहुँचा भी नहीं है, लेकिन सुबह के 10 बजे से ही इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी बता दूँ कि झारखंड के ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जिनका टेम्परेचर रांची से भी ज़्यादा है, 40 डिग्री या तो पहुँच चुका है या उससे भी ज़्यादा हो चुका है। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि बाज़ार के एक साइड में मीट का मार्केट भी लगता है, और शालीमार बाज़ार पोर्क के मार्केट के लिए फेमस है, तो जिसको भी बांडा और छिलका रोटी का मज़ा लेना है वो ले सकते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, पूरा बैग मेरा सब्जियों से भर चुका है, और डिक्की में तो मैंने किसी तरह से एडजस्ट कर दिया तरबूज को। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ घर। और हाँ, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।